हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। और सारी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि बिहार पुलिस में जो 21,391 पदों पर भर्ती आने वाली थी, अब फाइनली आप सबका इंतज़ार यहां पे समाप्त हो चुका है और नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं जो नए पैटर्न के साथ में कैसा इसका एग्जामिनेशन होगा और क्या कुछ प्रक्रिया होगी फाइनल सेलेक्शन तक का। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन का तिथि देखेंगे। अंतिम तिथि आपका 20 जुलाई रखा गया है और ये सभी महिला पुलिस और पुरुष दोनों के लिए है यहाँ पे। और ये विज्ञापन संख्या 01/2023 है। और यहाँ पे देखेंगे तो बिहार पुलिस सिपाही के संवर्ग सामान्य सशस्त्र में विभिन्न जिलों बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद पर, जो कि लेवल आपका 3 होता है और इसमें पदों की संख्या 21,391 है। तो 21,391 पदों के लिए फाइनली यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग सारा डिटेल्स एक एक करके देखेंगे कैसे क्या सिलेक्शन होगा और कैसे आपको तैयारी करना है। यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो देखिए, पाठ्यक्रम आपका लिखित परीक्षा का स्तर विद्यालय ये 10th का होगा आपका, जिसमें आपका लिखित परीक्षा होगा। इसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन और ये आपका सामान्य ज्ञान समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर्स भी रहेंगे। टोटली यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन है उसके एग्जामिनेशन होंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। टोटली MCQs होगा आपका और उत्तर पुस्तिका की 2 प्रति होगी, जिसमें आपका कार्बन कॉपी भी सुरक्षित रखा जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो नीचे हम लोग और देख लेते हैं डिटेल्स। अब सबसे बड़ी बात ये चल रही है साथियों कि इस बार पैटर्न चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर मेंशन किया गया है जो आपका लिखित परीक्षा होगा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, यानी आपका मेरिट जो पहले के आधार पर ही बनेगा, मेरिट आपका हो जो फिजिकल के आधार पर ही बनेगा और ये केवल क्वालिफाइंग होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोग ये भ्रम में ना रहें कि रिटेन बेसिस पे होगा, बिल्कुल आपका पहले के जैसा ही दौड़ के आधार पे, नंबर के और उसी कूद के आधार पे होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो आपका 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। कट ऑफ डेट क्या रखा गया है, अगर आपका 1 अगस्त 2022 के अनुसार जो भी पास हैं तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर उम्र सीमा आपका 1/8/2022 के अनुसार ही काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका यहाँ पे 25 वर्ष होना चाहिए। ये जनरल के, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो इसमें आपका मैक्सिमम OBC के लिए 27 है और यहाँ पे EBC के लिए यहाँ पे और उनकी महिलाओं के लिए 28 है, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पर 30 वर्ष का रखा गया है। और बाकी जो बिहार के एम्प्लॉई हैं उनको अलग से छूट जाएगी, 3 साल की जॉब कर रहे होंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो अन्य डिटेल्स हैं। हाइट की बात कर ले तो देखिए, हाइट का लगातार इसमें मांग उठ रहा है कि हाइट में छूट दिया जाए, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो हाइट में जैसे कि सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर है, EBC के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है, SC ST के पुरुषों के लिए 160 है और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, यानी छूट हाइट में भी नहीं दी गई है, पहले वाला ही हाइट है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सीना के बोलें तो यहाँ पर केवल पुरुषों के लिए है, बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम और यहाँ पर आपका फुलाकर 86 यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। और ये है आपका सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए, EBC के लिए यहाँ पे 81 और 86 है इनके लिए भी, और SC ST के लिए यहाँ पे 79 है और 84 है। तो यहाँ पे देखेंगे वजन आपका सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम 48 kg होना चाहिए, यानी जो भी महिला का वजन इससे कम होगा तो उनको अपना वजन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको नया देखने को मिलेगा, जैसे कि किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं इनके लिए जो शारीरिक माप का मापदंड किया जाएगा वो आपका महिलाओं के आधार पर होगा। और नियुक्ति की प्रक्रिया आपका प्रथम चरण जो आपका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, और जो दूसरा होगा आपका वो फिजिकल होगा। तो 10वीं के स्तर का लेवल का प्रश्न होंगे यहाँ पर, OMR शीट पर आपका यहाँ पर लिया जाएगा एग्जामिनेशन, लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन पहले जैसा नहीं मिलेगा ले जाने के लिए घर पर। तो ये रहा आपका सिलेबस, यहाँ पर मैंने बता ही दिया सिलेबस। और लिखित परीक्षा आपका केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, केवल 5 गुना उसमें सेलेक्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए, और मेरिट आपका बनेगा वो केवल और केवल फिजिकल के आधार पर बनेगा। अब जो द्वितीय चरण की परीक्षा यहाँ पर देख लेंगे, दौड़ आपका होगा अधिकतम 50 अंक का होगा, जिसमें सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में पूरा करना है। अगर 5 मिनट से कम में पूरा करते हैं तब आपको पूरे 50 नंबर मिलेंगे, और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक करते हैं तब आपको 40, और 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक करते हैं तो 30 नंबर, जबकि 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक करते हैं तो 20 नंबर ही मिलेंगे। तो इसलिए आपको दौड़ अच्छे से बनानी होगी, क्योंकि मेरिट इसी के आधार पर बनने वाला है, फिजिकल के आधार पर। और महिलाओं के लिए यहाँ पर देखेंगे तो सभी वर्गों की महिलाओं के लिए
यहाँ पे 1 किलोमीटर है, अधिकतम 5 मिनट में। अब 4 मिनट से कम में आपको 50 अंक मिलेंगे, 4 मिनट से अधिक लेंगे समय और 4:20 तक तो 40 अंक, और 4:20 से अधिक और 4:40 तक कंप्लीट तो 30 अंक, और वहीं अगर 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक समय लगता है 5 मिनट के अंदर में हो जाता है तो 20 अंक मिले जाएंगे। तो यहाँ पे और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले को असफल घोषित किया जाएगा। गोला फेंक का यहाँ पे देखेंगे तो 25 अंक है, सेम पहले जैसा है। सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड 16 फीट मिनिमम फेंकना ही है आपको। 16 से 17 फीट फेंकने पर आपको 9 अंक मिलेंगे, 17 फीट से ज़्यादा और 18 फीट तक फेंकेंगे तो 13 अंक, 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक फेंकेंगे तो 17 अंक। इसके अलावा यहाँ पे 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक फेंक देते हैं तो 21, और अगर आप 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपका 25 का 25 अंक यहाँ पे मिल जाएगा फाइनली। और महिलाओं के लिए यहाँ पे बात करें तो इनका 12 पाउंड का होगा और न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। अगर 12 फीट से 13 फीट तक जो फेंकेंगी उनको 9 अंक मिलेगा, 13 फीट से ज़्यादा और 14 फीट तक 13 अंक, 14 फीट से ज़्यादा 15 फीट तक फेंकने पे 17 अंक और 15 फीट से ज़्यादा 16 फीट तक फेंकने पे 21 अंक। जबकि अगर जो महिला 16 फीट से ज़्यादा फेंक देंगे उनको फुल मार्क्स मिलेगा 25 मार्क्स। और यहाँ पे ऊंची कूद का मार्क्स दिया गया है, न्यूनतम आपका यहाँ पे सभी पुरुषों के लिए 4 फीट है और इसमें भी 25 अंक दिए जाएंगे। तो 4 फीट के लिए 13 अंक है, 4 फीट से 4 इंच तक 17, और 4 फीट 8 इंच तक करने पे 21, और 5 फीट तक करने पे 25। वही महिलाओं के लिए 3 फीट है, अगर आप 3 फीट 8 इंच फेंक देती हैं तो पूरे 21 अंक मिलेंगे, लेकिन अगर आपको फुल मार्क्स लेना है तो 4 फीट फेंकना होगा। तो यहाँ पर देख लेंगे सभी महिला, तो इसलिए आपको फिजिकल पर भी खास ध्यान देना होगा क्योंकि ये सिलेक्शन और फिजिकल के बेसिस पे ही होने वाला है। और ये भर्ती बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा समय लगेगा, एग्जामिनेशन भी बहुत जल्द कंप्लीट करा लिया जाएगा, क्योंकि आप सबको भी पता है कि इलेक्शन होने वाली है तो इसको लेकर के ये भर्ती उसी के मद्देनज़र आई है। लेकिन आपको तैयारी करना होगा अच्छे से यहाँ पर। और मेधा सूची आपका यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका मेधा सूची है ये आपका संयुक्त रूप से देख सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा का अधीन तीनों स्पर्धाओं, मतलब कि दौड़ होगा, ऊंची कूद होगा और गोला फेंक, तीनों में जो नंबर अच्छे लाएंगे उनका ही यहाँ पे मेरिट में स्थान बनने वाला है। और यहाँ पे देखेंगे आगे रिक्तियों के बारे में, तो देखिए आपका जनरल कैटेगरी में 8556 वैकेंसीज है, EWS के लिए 2140 है, अनुसूचित जाति के लिए 3400 है, और ST के लिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 228, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842, और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए 2570 जिसमें ट्रांसजेंडर भी रहेंगे, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 655, यानी टोटल 21,391 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। तो टोटली ये 21,391 वैकेंसीज का यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, और यहाँ पे दिखा देते हैं हम आपको। उसके बाद से सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी के लिए 428 है, और यहाँ पर अन्य देख सकते हैं कैटेगरी में है। देखिए यहाँ पर आप लोग कट ऑफ तिथि ध्यान देना है, हमने बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। 1/8/2022 तक का कट ऑफ डेट रखा गया है, इसके अनुसार आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम एज होना चाहिए। और तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग आवेदन आपका जो है 20/6/2023 से शुरू होगा, और ये वेबसाइट आपका है CSBC का, www.csbc.bh.nic.in पर जाकर के जो बिहार पुलिस का टैब होगा वहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क की बात करें साथियों, तो यहाँ पर आपका परीक्षा शुल्क देख सकते हैं, बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग EWS एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हुए, एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि के महिला पुरुष हो, 675 रुपये लगेंगे, और बिहार की जो मूल निवासी महिला है और SC ST उनको 180 रुपये का पेमेंट यहाँ पर करना है। पेमेंट आप लोग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से कर सकते हैं, चाहे तो बैंक चलान के माध्यम से भी कर सकते हैं। आगे इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन भरने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही यहाँ पे मेल आईडी पे आपका एक मेल मिलेगा, वहाँ से उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको सेव करके रख लेना होगा। आगे का डिटेल्स हम अब देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे महिलाओं को ध्यान देना होगा, अगर जो महिला फीमेल हैं अगर उनका शादी हो गया है तो उनको अपना निवास या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है फादर के नेम से होना चाहिए। अगर आपको आरक्षण लेना है तो फादर के नेम से ही होना चाहिए, अगर आप हस्बैंड के नाम से बनवाइएगा तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, आरक्षण छूट नहीं मिलेगा, चाहे आपका शादी बिहार से बाहर हुआ हो या बिहार में हुआ हो, इसलिए आप लोग इसको ध्यान देंगे बनवाते समय में। यहाँ पे हमने सारा डिटेल्स बता दिया है, आई होप सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो फॉर्म भरते समय ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और बाकी किसी जानने अपडेट्स के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जल्द ही मिलते हैं नए अपडेट साथ में, तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।